तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज भी हम इसमें में बात करने वाले हैं बहुत सारे अपडेट्स के बारे में जो जल्दी आपको गेम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप सबको बताया, रिसेंटली हमने गिव अवे किया था फ्री रोबो पेट का। एंड गाइस, मैंने चूज़ किया था 8 विनर को, जिनके आईडी पे मैं टॉपअप किया था। एंड गाइस, उनको मिल चुका है फ्री का रोबो पेट। तो गाइस, उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अलोक कैरेक्टर का गिव अवे करो। तो गाइस, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम करेंगे अलोक कैरेक्टर का गिव अवे। एंड गाइस, मैं चूज़ करने वाला हूँ 3 विनर को, जिनके आईडी पे मैं टॉपअप करूँगा। एंड गाइस, उनको मिल जाएगा फ्री का अलोक कैरेक्टर। तो गाइस, इस बार आपको मिल सकता है, आप जीत सकते हो। एंड गाइस, आपको मिलने वाला है अलोक का कैरेक्टर। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, तो गाइस एक गिव अवे का डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो गाइस, आज का भी लाइक गेम रखते हैं 600 लाइक्स, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में जो आपको ऑलरेडी गेम में देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, एक नया इवेंट आ चुका है जिसमें आपको हमारा जो आर्मरी का सेक्शन है उधर आपको लेजेंडरी गन स्किन के ऊपर डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको कल नया डायमंड और का बंडल भी देखने के लिए मिल रहा था। एंड गाइस, आपको कल तक ये जो फेटल मोड, नया ज़ोंबी मोड आपको गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, कल आपको एक नया इवेंट देखने के लिए मिला था जिसका नाम है ट्रेजर हंट, जिसमें आपको स्टार का गन, एक नया फीमेल का बंडल, उसके साथ साथ कुछ बैनर भी आपको देखने के लिए मिल रहा था। एंड गाइस, जो फीमेल का बंडल है गाइस, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही लीक दे दिया था। एंड गाइस, ये भी बताया था ये जो बंडल है आपको फ्री में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, ये जो बंडल गेम में आ चुका है। एंड गाइस, आप में से कई सारे बंदे इसको लिया भी होगा। तो गाइस, ठीक ठाक बंडल है। एंड गाइस, आपको स्कार का जो स्किन है परमानेंट नहीं मिल रहा है, आपको टेम्प्रेरी मिल रहा है। एंड गाइस, उतना कुछ खास उसमें एबिलिटी भी नहीं है। तो गाइस, बंडल तो ठीक ठाक है, अगर आप फीमेल का कैरेक्टर यूज़ करते हो तो गाइस आपके लिए सही बंडल है। एंड गाइस, आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो गाइस, मुझे बताना आपको ये जो ट्रेजर हंट जो इवेंट है आपको कैसा लगा। एंड गाइस, ये भी बताना कि आप इस बंडल को लिया या नहीं लिया, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे हमारा नया डायमंड रोल की बंडल के बारे में। तो गाइस, इस बंडल के बारे में भी आपको मैंने बहुत पहले लीक दे दिया था। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हो, ये जो बंडल है हमें डायमंड रोल के सेक्शन में अवेलेबल हो चुका है। तो गाइस, उतना कुछ खास नहीं लगा, उतना पसंद नहीं आया ये बंडल। तो गाइस, आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड गाइस, ये जो बंडल है अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है तब भी जाके आप स्पिन कर सकते हो। एंड गाइस, इसमें आपको डायमंड उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, वेट कर सकते हो अगले डायमंड रोल की, जिसमें आपको अच्छा खासा बंडल देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, मुझे बताना आपको ये जो बंडल है कैसा लगा। एंड गाइस, ये भी बताना कि आपने इसके ऊपर डायमंड उड़ाए कि नहीं उड़ाए, अगर आपने डायमंड वेस्ट किया इसके ऊपर, आपको परमानेंट मिला या नहीं मिला, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे हमारा नया इवेंट के बारे में, जिसमें आपको ये जो लेजेंडरी गन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 डायमंड में आपको ये क्रिएट देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, ये जो इवेंट है गाइस, लास्ट बार भी हमें देखने के लिए मिला था। एंड गाइस, उस टाइम शायद 20 या 25 डायमंड में आपको ये क्रिएट देखने के लिए मिल रहा था। तो गाइस, इस टाइम वो भी कम कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15 डायमंड में आपको ये क्रिएट देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइस, हो सकता है आपको बहुत कम डायमंड में ये जो गन्स के लिए परमानेंट देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस, इसमें आपको जितने भी लेजेंडरी गन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 डायमंड में एक क्रेट देखने के लिए मिल रहा है। एंड गाइस, आप परचेस कर सकते हो लगभग 7 या 10 क्रेट या 15 क्रेट आप परचेस कर सकते हो। एंड गाइस, जिसमें आपको परमानेंट गन स्किन देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो, आपको ड्रैगन एके हो गया, क्यूपिड्स कार हो गया, MP40 का जो न्यू ईयर वाला स्किन वो भी हो गया, आपको सारे के सारे जो लेजेंडरी है 15 डायमंड में देखने के लिए मिल रहा है। एंड उसके अलावा कुछ गन स्किन है जिसमें आपको 25 जो डायमंड पे करना पड़ेगा। तो गाइस, पर जितने भी आपको लेजेंडरी गन स्किन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 15 डायमंड पे करना पड़ेगा, जिसमें आप मतलब आपको मिल जाएगा एक क्रिएट। तो गाइस, अगर आप नॉर्मली परचेस करते हो आपको 40 या 60 डायमंड पे करना पड़ेगा, तब जाके आप एक क्रिएट ले सकते हो। तो गाइस, अच्छा मौका, अच्छा टाइम है, जैसे आप बोल सकते हो परमानेंट गन स्किन निकालने के लिए। तो गाइस, हो सकता है आपको परमानेंट गन स्किन देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, मुझे ये बताना आपको ये जो इवेंट है कैसा लगा। एंड गाइस, ये भी बताना कि आपने इस इवेंट में गन का जो क्रेट से परचेस किया है नहीं किया, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो गाइस अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस कल ही आपको हमारे जो डायमंड के सेक्शन में एक नया बंडल देखने के लिए मिल रहा था जिसका नाम है स्टील बंडल। एंड गाइस अगर आप दूसरे सर्वर की जो डायमंड के सेक्शन चेक करोगे उधर आपको एक नया बंडल देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है ड्यूओ रॉयल, जिसमें आपको मेल और फीमेल बंडल देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो बंडल है आपको दूसरे सर्वर के डायमंड के सेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। एंड गाइस ऐसे लीक्स निकल के आ रहा है, हो सकता है जो बंडल आपको कुछ इवेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं या आपको आने वाला जो डायमंड रॉयल है उसमें आपको ये जो बंडल है देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है ये जो डायमंड रॉयल है हमारे डायमंड रॉयल से भी बेटर है ये जो बंडल देखने के लिए। एंड गाइस हो सकता है आपको ये जो बंडल है हमें आने वाला जो डायमंड रॉयल है उधर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस मुझे ये बताना ये जो बंडल है आपको कैसा लगा। एंड गाइस ये भी बताना क्या ये जो बंडल है हमारे डायमंड रॉयल के सेक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस ब्राज़ील के सर्वर में एक नया इवेंट आया है जिसमें आपको फ्लेम एके का जो गन्स खेलने का परमानेंटली देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस उसके साथ साथ आपको इधर कुछ लक रॉयल के वॉचर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड गाइस आपको कुछ क्रेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ बंडल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गाइस इस इवेंट में आपको पेट भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो बहुत ही सिंपल इवेंट है, इसमें आपको कुछ लॉगिन रिवार्ड्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ टोकन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड गाइस जैसे आप टोकन्स कलेक्ट करोगे आप रिडीम कर सकते हो फ्लेम एके, उसके साथ साथ लक रॉयल के वॉचर्स एंड गाइस बहुत सारे रिवार्ड्स। एंड गाइस आप कैसे ये जो टोकन्स कलेक्ट कर सकते हो, तो गाइस बहुत ही सिंपल है, आपको लॉगिन होने से कुछ टोकन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड गाइस आप क्लैश स्क्वाड गेम प्ले करना होगा। एंड गाइस जैसे आप क्लैश स्क्वाड गेम प्ले करके कुछ टास्क कंप्लीट करोगे आपको मिल जाएंगे टोकन्स। एंड गाइस उसको रिडीम करके ये जो परमानेंट स्किन ले सकते हो। तो गाइस जैसे आप सबको पता है जो भी इवेंट ब्राज़ील के सर्वर में आता है एंड गाइस 80% या 90% हमारे सर्वर में भी देखने के लिए मिलता है। तो गाइस ऐसी लीक्स निकल के आ रहा है ये जो इवेंट है गाइस हमारे सर्वर में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस जब ये हमारे सर्वर में आता है आपको उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस मुझे बताना आपको ये जो इवेंट है कैसा लगा। एंड गाइस देखते हैं ये जो इवेंट है हमारे सर्वर में कब तक आता है और उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे आप सबको पता है जब हमें नया अलर्ट पास देखने के लिए मिला था उसके साथ साथ हमें नया इवेंट भी देखने के लिए मिल रहा था। तो गाइस उस इवेंट में आप गरेना ने कुछ हमें टारगेट दिया था बैजेस का। एंड गाइस जैसे हम बैजेस कलेक्ट करेंगे ये जो नया मोड है गाइस फेटल मोड हमें अनलॉक होने वाला था या ओपन होने वाला था। तो गाइस कल तक ये जो टारगेट है शायद कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बहुत ही नियर आ चुका है। एंड गाइस कल आपको शायद कल या परसों तक आपको फेटल मोड नया ज़ॉम्बी मोड आपको गेम में देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस उसके साथ साथ उसका जो मास्क है गाइस आपको फ्री में देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस हो सकता है आपको कुछ टोकन्स कलेक्ट करना पड़ सकता है एंड गाइस जिससे आप रिडीम कर सकते हो। तो गाइस देखने में ये जो मास्क है गाइस बहुत ही खतरनाक लग रहा है। एंड गाइस हो सकता है एंड गाइस अगर ये जो मास्क है फ्री में मिलता है तो गाइस बिल्कुल मिस मत करना। तो गाइस मुझे तो ये जो मास्क है पसंद आया, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाला जो मिस्ट्री शॉप है एक एडवेंचर थीम के ऊपर होने वाला है। एंड गाइस लगभग इस महीने के एंड 25 या 26 तक हमारे सर्वर में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो दूसरे सर्वर का एक नया इवेंट का लिस्ट लीक में निकल के आ चुका है। एंड गाइस उधर एक बंडल के बारे में एक इवेंट के बारे में मेंशन किया हुआ है। एंड गाइस जैसे आप सबको पता है जब भी नया इवेंट आता है हमें दूसरे सर्वर में पहले देखने के लिए मिलता है, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद हमें हमारे सर्वर में देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो ये जो इवेंट है गाइस लीक में निकल के आ चुका है जिसमें आपको एक बंडल के बारे में और एक इवेंट के बारे में बताया जा रहा है। तो गाइस ये वही बंडल है जब हमें लीक में मिला था मिस्ट्री शॉप 7.0 के बारे में। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया था आने वाला जो मिस्ट्री शॉप है एडवेंचर थीम के बेस में होने वाला है। एंड गाइस जो भी आपको बंडल देखने के लिए मिलने वाला है इसी बंडल की तरह आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस ऐसे लीक्स निकल के आ रहा है जो मिस्ट्री शॉप है गाइस दूसरे सर्वर में लगभग कंफर्म हो चुका है। एंड गाइस उसके 2 या 3 दिन बाद हमें हमारे सर्वर में मिस्ट्री शॉप देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या लो कैरेक्टर हमें मिस्ट्री शॉप में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो गाइस चांसेस 50-50 है, हो सकता है आपको मिस्ट्री शॉप में अलोक का कैरेक्टर देखने के लिए मिल भी सकता है या ना भी मिल सकता है। तो गाइस जहाँ तक मुझे लगता है आपको इस बार का जो मिस्ट्री शॉप है जिसमें आपको अलोक का कैरेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस मुझे बताना आप में से कितने सारे बंदे मिस्ट्री शॉप में अलोक कैरेक्टर परचेज करने के लिए वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस देखते हैं मिस्ट्री शॉप हमारे सर्वर में कब तक आता है और उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है।
तो गाइस अभी हम बात करेंगे हमारा गिव अवे के बारे में। तो गाइस जैसे अपने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम करने वाले गिव अवे अलोक कैरेक्टर का, एंड गाइस मैं चूज करूंगा 3 या 5 विनर को जिनके आईडी पर मैं टॉपअप करूंगा, एंड गाइस उनको मिल जाएगा फ्री का अलोक का कैरेक्टर। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, तो गाइस बहुत ही सिंपल है, आपको अपना यूआईडी कमेंट करना है, एंड गाइस उसके साथ आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। एंड गाइस दूसरा स्टेप, मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा नया चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको उधर जाके सब्सक्राइब करना है। तो गाइस दो स्टेप्स आपको फॉलो करना है, एंड गाइस जैसे आप दो स्टेप्स कंप्लीट करोगे आप एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइस हम 3 या 5 विनर को चूज करेंगे, एंड गाइस उनको मिलेगा फ्री का अलोक का कैरेक्टर। एंड गाइस मुझे आप में से कई सारे भाई लोग बोल रहे थे कि भाई लाइव आके कस्टम रूम में गिव अवे करो। तो गाइस जैसे उस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम लाइव आ जाएंगे, एंड गाइस हम कस्टम में गिव अवे करेंगे अलोक का कैरेक्टर का। तो गाइस जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, एंड गाइस अपना यूआईडी कमेंट करो। तो गाइस आपको सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करना है, एंड गाइस जैसे आप फॉलो करोगे आप एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइस आई होप आप अलोक का कैरेक्टर जीत जाए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। आज का भी लाइक हम रखते हैं 600 लाइक्स, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।